सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं पुष्पा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन किसी भी प्रत्याशी ने गुरुवार को नहीं भरा नामांकन पर्चा। चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को समर्पित किया पहला अर्घ। और रामनवमी के अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर नगर थाना में हुई शांति समिति की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन अधिकारी और कर्मचारी दिन भर नामांकन के लिए प्रत्याशी के आने का इंतजार करते रहे, परंतु गुरुवार को कोई प्रत्याशी नामांकन करने नहीं आया। नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन गुरुवार को निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी नामांकन दाखिल करने आने वाली उम्मीदवार का इंतजार करते रहे, परंतु गुरुवार को एक भी प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया। हालांकि नामांकन कार्य के लिए लगाए गए पदाधिकारी कर्मचारी और पुलिस प्रत्याशियों के आने का अंतिम समय तक इंतजार करते रहे, परंतु सारा समय इंतजार में ही कट गया और दूसरे दिन खाता भी नहीं खुला। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार ने इस संबंध में बताया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से कई प्रत्याशियों द्वारा रसीद कटवाया गया, जिसमें 5 प्रत्याशियों द्वारा अधिसूचना जारी होने के पहले ही दिन नामांकन दाखिल किया गया, जबकि अभी शेष प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाना है। समाहरणालय में यह भी चर्चा रही कि प्रत्याशियों द्वारा पंडित और ज्योतिषियों से काल दिन राशि और मुहूर्त निकलवा कर उसके अनुसार नामांकन दाखिल करने आते हैं। माना जा रहा है कि राशि मुहूर्त और काल गणना के हिसाब से गुरुवार का दिन अच्छा नहीं होने के कारण दूसरे दिन किसी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया। मतदान करने के लिए दिव्यांगों को जागरूक करने को लेकर गुरुवार को समरणालय परिसर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। लोकसभा निर्वाचन 2019 के तहत स्वीप कोषांग के द्वारा गुरुवार को दिव्यांग मतदाता जागरूकता अभियान रैली का आयोजन किया गया। समरणालय से शुरू होकर यह रैली नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः स्मारक स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। समरणालय परिसर से इस रैली को DDC उज्जवल कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे मुख बधिर दिव्यांग जो हमारे मतदाता लगभग 21,000 की संख्या में हमारे इस जिले में है, उन लोगों के बीच में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज एक उन्हीं के द्वारा उन्हीं मूक बधिर दिव्यांग हमारे लोगों के द्वारा एक जागरूकता रैली का यहाँ से फ्लैग ऑफ होगा। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दिव्यांग के हमारे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन और सभी लोग हमारे इस जागरूकता रैली से अधिक संख्या में हमारा यहाँ जो मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में जिसमें 6 मई को मतदान होगा और फिर वैशाली कंस्टिट्यूएंसी में हमारा 12 मई को मतदान निर्धारित है, उस दिन अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। मैं इन लोगों से भी यही अनुरोध करूंगा कि उस दिन भी पहले मतदान फिर जलपान, इसी नीति से चलें। इस रैली में शामिल जिले के स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण ने रैली के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने को प्रेरित किया। आज मुख बधिर दिव्यांग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली किया गया, जो कि समरणालय से हरी झंडी DDC महोदय एवं SDO पूर्वी महोदय द्वारा एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पे टोटल मतलब मुख बधिर दिव्यांग द्वारा शहर के मुख्य मार्ग मतलब टावर होते हुए, तिलक मैदान होते हुए, मोती झील होते हुए सदर अस्पताल के तरफ से चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के तीसरे दिन गुरुवार को छठ व्रतियों ने विभिन्न छठ घाटों पर भगवान सूर्य को पहला अर्घ समर्पित किया।
चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन गुरुवार को छठ व्रतियों ने भक्ति और आस्था के साथ नगर के विभिन्न छठ घाटों सहित बूढ़ी गंडक नदी के घाट पर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ समर्पित किया। छठ पूजा के पहले अर्घ देने को लेकर छठ घाटों पर छठ व्रतियों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी बूढ़ी गंडक नदी के घाट पर भगवान भास्कर को पहला अर्घ समर्पित कर पूजा अर्चना की। रामनवमी के अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। रामनवमी के अवसर पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर नगर थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में गुरुवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल शांति समिति के सदस्यों ने आपसी एकता और सद्भाव के बीच प्रशासन द्वारा निर्धारित नियम शर्तों का अपने क्षेत्र में पालन कराने को आश्वस्त किया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष ने कहा कि हर साल की भांति इस बार भी रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण और आपसी सद्भाव के साथ मनाया जाएगा। जिला पदाधिकारी महोदय एसएसपी साहब के सभा कक्ष में हो चुका है, क्योंकि सारा जुलूस को इधर से होके जाना है, इसलिए और विस्तृत रूप से इसको हम लोग अपने लोकल स्तर में किए हैं क्या रिक्वायरमेंट है, और जो बड़ी पदाधिकारी का निर्देश है पूजा कमेटी को बताया गया, समझाया गया है, सारे लोग से आश्वासन मिला है कि बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर, खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अलियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525 5873 70 पर।
registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. Class 11th का registration 1st June से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th board में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला, ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में। इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहां आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरियंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है।
GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। यही मेंस में मुझे 98% डायल आया है, इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस का को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि LTs ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है, मुझे 95.49% डायल आया है जेई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेई मेन 2019 में 94.6% डायल आया है, इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेई मेन 2019 में 94.3% टाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट सरैयागंज या मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5 बीबीगंज मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल बीबीगंज मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर वन प्ले स्कूल तो है ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9122111938, 7296095790। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी ने जौहर आजाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी, इसकी घोषणा बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान की। इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जौहर आजाद ने कहा कि मुजफ्फरपुर के लोगों की मांग पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, मगर यहाँ लीची प्रोसेसिंग का एक भी उद्योग नहीं है तथा लीची को काफी समय तक स्टोर करने के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस चुनाव में किसानों का मुख्य मुद्दा हमारी पार्टी उठाएगी। राष्ट्रीय मूल निवासी मछुआरा संघ के मैं प्रदेश संयोजक नरेश कुमार सहनी, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने अनुरोध किया था कि मुजफ्फरपुर में विगत 30-40 सालों में अल्पसंख्यक वर्ष किसी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था, इसलिए इस बार मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक वर्ग से उम्मीदवार बनाया जाए और हम लोग पुरजोर तरीके से इनका समर्थन करेंगे
और मुजफ्फरपुर में अल्पसंख्यक समाज से हम चाहते हैं कि यहाँ का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करें, इसके लिए हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी जो भी पार्टी है वो एक एनडीए नागनाथ है, यूपीए सांपनाथ है, दोनों नागनाथ काटे या सांपनाथ काटे बात बराबर है, दोनों का एजेंडा बहुजन के खिलाफ है और बहुजन के पास एकमात्र विकल्प बहुजन मुक्ति पार्टी है और हम लोग इस बार सांपनाथ और नागनाथ को समाप्त करने के लिए निर्मला नाथ बहुजन मुक्ति पार्टी आ गया है। समाज पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद जौहर आजाद की चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद जिले के कई संगठनों ने इसका समर्थन किया और कहा कि किसी पार्टी ने मुजफ्फरपुर से अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दी, इसलिए कई संगठनों ने साथ देने का ऐलान किया। सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर के सारे संगठनों का और खासकर बामसेफ का और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे नाम को चयन किया और मुझे बुलाया मुजफ्फरपुर के लिए और मुझ पर विश्वास जताया। सबसे बड़ा मुद्दा है, आप मुजफ्फरपुर में देखेंगे कि मछुआरों की आबादी बहुत ज्यादा है लेकिन उनके कारोबार पर किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है। यहाँ तक के कि मल्लाह ने एक पार्टी बना ली है उन्होंने भी इसका कोई आवाज नहीं उठाया। आप देखें जलाशय सूख रहा है, मछुआरे बहुत परेशान हैं, उनको नदी से और नहर से जोड़ने की कोई भी कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत फेमस है लेकिन यहाँ के जो किसान जो लीची उगाते हैं उनके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अब मुजफ्फरपुर के सांसद और विधायक ने कभी इस पे रोशनी नहीं डाली, कभी कोई प्रयास नहीं किया। मुजफ्फरपुर में रेल संसाधन और एयरपोर्ट की बहुत जरूरत है चूंकि यहाँ कई उद्योग हैं, कपड़ा उद्योग है, लेकिन इस तरह के कोई विस्तार के लिए कोई सी पार्टी ने किसी नेता ने पहल नहीं की। गजपा ने शिवहर में रेल लाओ आंदोलन के नेता मुकेश भोला झा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बैरिया स्थित गजपा कार्यालय में गुरुवार को शिवहर में रेल लाओ अभियान के नेता मुकेश भोला झा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर गजपा के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, साथ ही मुकेश भोला झा को शिवहर लोकसभा क्षेत्र से गजपा का उम्मीदवार भी घोषित किया गया। ऐसे संगठन को कितनी मजबूती मिलेगी इनका? जो स्वाभाविक बात है कि कहीं से अगर लोग जुड़ते हैं किसी संगठन से, लोग अगर आकर के किसी संगठन में जुड़ते हैं तो संगठन मजबूत होती है। खासकर शिवहर लोकसभा से हमारे मुकेश भोला झा जी प्रत्याशी हैं और इन्होंने शिवहर में रेल लाने के लिए, जो आज शिवहर रेल से वंचित है, जहाँ एक अच्छा रोड तक नहीं है शिवहर में, उसको लाने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। देखिए शिवहर में तो आप लोग को पता होगा अनगिनत मुद्दा है लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है वहाँ का बेरोजगार जो युवा है उनके लिए रोजगार और शिक्षा। जब तक हमारे समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तब तक जो है समाज को आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और ये हमारे वहाँ का जो भी सांसद है, विधायक है, पॉलिटिकल पर्सन है, इस बात को नहीं समझते हैं और इसी उद्देश्य को लेकर मैं जो है शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। गोबरसही स्थित कोरल इन्फोटेक कंपनी ने अपनी पहली वर्ष गांठ पर केक काट कर मनाया। गोबरसही स्थित कोरल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपनी पहली वर्ष गांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। कंपनी के निदेशक ने केक काट कर सभी को खिलाया। कोरल इन्फोटेक प्राइवेट कंपनी कंप्लीट स्कूल और मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करती है। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक ने कहा, एक वर्ष में मुजफ्फरपुर जिले में काफी अच्छा काम किया है और अधिक स्कूल और कंपनियों में इस कंपनी का सॉफ्टवेयर काम कर रही है। कंप्लीटेड वन ईयर ऑफ आवर कंपनी कोरियल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इट वर्क्स ऑन द पर्पस ऑफ डिजिटल इंडिया। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड वन ईयर। वी हैव फोर प्रोजेक्ट्स इन बिहार मुजफ्फरपुर, टू प्रोजेक्ट्स इन मोतिहारी एंड टू प्रोजेक्ट्स इन मऊ यूपी एंड टू प्रोजेक्ट्स इन इलाहाबाद यूपी। सो देयर इज वेरी we have faced very problem in starting but now we are successfully running this company and this is Digital India and we are growing day by day and hope so this company will touch the peak of success one day। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।